और कांग्रेस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। इस वक्त रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं। और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनका देश बहुत सम्मान करता है, और मैं हमेशा कहता हूं लाल बहादुर शास्त्री 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे, 1966 में मरे, अब उनको मरे 51 साल हो गया, लेकिन आज भी कोई बच्चा होश संभालता है तो उसकी स्मृति में यह बात आ जाती है कि लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री था जिसने देश को नारा दिया जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति के साथ कांग्रेस ने क्या किया, ये तो कई बायोग्राफीज में आ चुका है, इंदिरा गांधी की बायोग्राफी में है, ये तो रिकॉर्ड पर है। कुलदीप नैयर की किताब पढ़िएगा तो सब बातें सामने हो जाएंगी, वो लाल बहादुर शास्त्री के प्रेस एडवाइजर थे। तो चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर,